राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को व्हाट्सएप पर मिली है। तीन भाषाओं में भेजे गए संदेश में लखनऊ, नवाबगंज के अलावा कर्नाटक चार स्थानों को बम से उड़ाने की जो है वो धमकी दी गई है। डॉक्टर नीलकंठ ने मणियाव थाने में जो है वो मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार रविवार को राजधानी में अलीगंज स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। धमकी भरे संदेश में जो है वो सोशल मीडिया पर अलीगंज के रहने वाले डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को ये जो है वो भेजा गया था। इस मैसेज में लखनऊ, नवाबगंज के अलावा कर्नाटक के चार स्थानों को बम से उड़ाने के लिए जो है वो धमकी दी गई थी, उसके बारे में लिखा गया था। इस मामले में डॉक्टर नीलकंठ ने मणियाव थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस संदेश भेजने वालों की तलाश के लिए साइबर क्राइम सेल व क्राइम ब्रांच की मदद ले रही है। अलीगंज सेक्टर एन निवासी डॉक्टर नीलकंठ ने बताया कि वे सुल्तानपुर स्थित एक महाविद्यालय में प्रोफेसर है। वे अलीगंज सेक्टर क्यू स्थित संघ के दफ्तर से भी जुड़े हैं और पुराने स्वयं सेवक भी हैं। उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर उन्हें व्हाट्सएप पर तीन भाषाओं हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी में एक संदेश आया। इसमें दिए गए लिंक को खोलकर ग्रुप से जुड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन नंबर विदेश का होने से उन्होंने लिंक नहीं खोला। इसके बाद तीन और मैसेजेस भेजे गए। इसमें यूपी व कर्नाटक के छह स्थानों को रविवार रात 8 बजे बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसमें अलीगंज के सेक्टर क्यू स्थित संघ का कार्यालय भी था। प्रभारी निरीक्षक मणियाव अनिल कुमार ने बताया कि नीलकंठ मणि पुजारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उच्च अधिकारी व सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी सूचना दी गई है। हालांकि धमकी में दिए वक्त पर कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसे में आशंका है कि किसी शरारती तत्व ने संदेश भेजकर परेशान किया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।